मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के अभी 8:30 हो रहे हैं और दो दिन से इतना मुझे ज़्यादा बैक पेन स्टार्ट हो गया है, पता नहीं क्यों। वो अपना ये इसमें गर्म पानी करके सिकाई करी, अभी मैंने कल भी किया था, आज भी किया, बट रिलीफ नहीं है। सडनली हो गया, समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है ये। और आज फिर से हमें जाना है गुड़गांव, जिस काम के लिए जाना है वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके लिए जाना है हमें। देखते हैं आज क्या होता है, होपफुली आज हैंडओवर मिल जाए, क्योंकि वहाँ 2-3 काम पेंडिंग है जो भी चल रहा है। और आज का टैग दिया था कि आज वो कंप्लीट हो जाएगा, बट देखते हैं जाके वहाँ क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंगली हमें उस पर अपना काम स्टार्ट करना है। और रात को मैंने पानी में भिगोया था लौंग, 2 लौंग भी है मेरा पानी लौंग वाला, तो इसको पीऊँगी लौंग निकाल के भिगोया हुआ लौंग। स्टार्ट किया है मैंने 3-4 दिन से पीना, निकाला जा रहा घी सुबह सुबह। और ये रहा मेरा ड्राई फ्रूट्स जो रात को भिगोया था, और इसमें खजूर जो कि सड़ा हुआ आया था, इसको 3 बार हमने रिप्लेस किया तब जाके कुछ अच्छा मिला है हमें पैकेट के अंदर। अच्छा, ये इसमें भी कुछ तो खराब है, ये देखो वो देखने में ऐसे है आते, खाने में सही है, खाने में मैंने खाया ना सही है। अच्छे से साफ करना पड़ेगा इसको, धो दो अभी धो के ना। ये रहा मेरा सारा ड्राई फ्रूट्स जो रोज सुबह सुबह आजकल खा रही हूँ, खजूर, काजू, अखरोट, अंजीर, किशमिश, बादाम। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 चिपक गया। हाँ, ये रहा मेरा नाश्ता, और थोड़ा सा घी लगाऊंगी जो भी बनाया मम्मी ने। थोड़ा सा घी सब्जी में, बिना हीटर का तो मैं रह भी नहीं सकती। 24 घंटे मेरे रूम में हीटर चलता रहता है, 1-2 घंटे के लिए बंद होता है ऐसा नहीं है, बट हाँ ऑलवेज चलाती रहती हूँ उसको। नाश्ता करती हूँ फिर सो जाऊँगी, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा मुझे अपने बैक में, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा रेस्ट मार लूँ, फिर उठ के फिर से ही सिकाई करूँगी इससे गर्म पानी से। मौसम बहुत ठंडा हो रखा है आज का, बाहर का बहुत ज़्यादा 3 डिग्री है आज का, और ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी। जब मैं से बाहर जाओ तो गल जाओ, काँप जाओगे, ऐसी वाली हवा है। दही भूल गई थी तो दही भी लिया, ऐसे बिना दही के मज़ा नहीं आएगा। और एक गरम गरम ना इतना टेस्टी लग रहा है घी लगा के, बाजरा, ज्वार और मक्के का मिक्स आटा है ये, और ये तो पत्ता गोभी और मटर है, बहुत मज़ेदार है, एकदम गरम गरम मज़ा आ रहा खाने में। फ्राई कर लिया मैंने पोहा, यानी चुड़वा बोलते हैं इसको, मखाना फ्राई कर रही हूँ, और 2 बजने वाला है, 2:45 हो रहा है। तो इसमें हमने पैक कर लिया, इसमें नमकीन है थोड़ी सी मंकू के लिए, इसमें मखाना जो फ्राई किया, इसमें वो चुड़वा जो फ्राई करा वो, और रेडी हो गए हम लोग निकलने के लिए। 3 बज रहा है, 3:10, आशु का उधर सेशन भी है तो वो करेगा, 1 घंटे में वो फ्री हो जाएगा, फिर हमें की लेना है वहाँ से, मिल्क को भी पिकअप करना है, तो थोड़ा जल्दी निकलना है। पानी की बॉटल, हाँ 2 ले जाना है ना,
मैं गई थी ऊपर मेट्रो पे वॉशरूम यूज करने, इतनी तेज वॉशरूम जाना था मुझे। वो वाला वेट करे, गाड़ी लगा रखी यहाँ पे, मैं वॉशरूम यूज करने आई तब जा रही हूँ। सो मिंकू का ऑफिस आ गए, मिंकू का ऑफिस यानी मेरे पुराने ऑफिस, यहाँ वेट कर रहे हैं पार्किंग में, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ है उसका आने का, 6 बजा है और उसके पास थोड़ा बहुत काम है ज़्यादा, तो अभी कर रहा है। और मौसम इतना ख़राब हो गया है यहाँ का, पूरा फॉग, बाहर का कुछ भी नहीं दिख रहा, ये देखो ऐसे हो रखा है पूरा मौसम, और अंधेरा हो गया है, और जस्ट वेट कर रहे हैं जल्दी आए फिर निकलें, फिर जाना उधर की लेने, वो भी बड़ा पंगा चल रहा है आजकल हमारा। सोच रहे हैं काम जल्दी शुरू हो जाए, लेकिन उतना ही डिले हो रहा है, होपफुली हो जाए आज, मिल जाए, लेट्स सी क्या होता है। कितना टाइम क्यों लग रहा है गेट खोलने में, कितना टाइम क्यों लग रहा है, ठंड लग रही है, इतना आवाज क्यों भाई टीवी में, 9:30 हो गया, अभी घर पहुंच रहे हम लोग। आज फिर से हमारे घर में डोसा बन रहा है, फिर से कब बना, मतलब 2 महीने बाद, जब रितु आई थी तभी बना था। और ये रहा इसका मसाला, मतलब सांबर, और ये रही सफेद वाली चटनी यानी नारियल की, और ये रहा मजेदार डोसा, और इसमें इडली। तो आज हमारा दिन भर 3-4 दिन तक मेरा यही चलेगा। 3-4 दिन तक। और ये सर जी यहाँ पे बिजी काम कर रहे हैं, इनका काम ही नहीं खत्म होता, क्या फायदा तुमको ऑफिस से छुट्टी लेने का है, घर में भी बैठ के काम करना है। आ जाओ इनको, रात के 8 बज रहे गाइस, और दिन कैसे बीता पता ही नहीं चला हमें आज। तो डोसा खाने के बाद सबकी हालत पस्त हो गई थी, सब सो रहे थे, और डिनर भी नहीं कर रही, मैं दूध पी रही हूँ डिनर में, और इतनी ठंड है दिल्ली में कि मनाली में 6 डिग्री है और दिल्ली में 7 डिग्री है, बताओ। और हीटर 24 घंटे हमारे घर में चल रहा है, और पता है वो जो अंदर कांच रखे ना, कांच वाले ग्लास, उस पे फॉग बना हुआ है, इतनी ठंड हो रखी है, हालत ख़राब है यहाँ पे एकदम से। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और कल का ब्लॉग जरूर देखिएगा, कल एक नया अपडेट है आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।